यस, आर वी लाइव? यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ, और आज के हमारे इस वीडियो में जो है हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम जो है यहाँ पे आपका ग्रामर प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बिकॉज कल जो है हमने थियोरी तो सारी सीख ली थी, बट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था। और आज मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रैक्टिस के, ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आते हैं, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है? सो यस, आ जाओ एक बार, सभी लोग आ जाओ, सब लोग प्रेजेंट हो जाओ। अनुज प्रेजेंट सर? यस अनुज, ओके। काफी लोग प्रेजेंट हो गए हैं ऑलरेडी, बाकियों को भी बुला लो, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी। यस, ओके। सो ऑलमोस्ट जितने लोग आना चाहते थे सभी लोग आ चुके हैं। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर। देखो बेसिकली हम आज क्या करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं जो है ग्रामर प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन स्पॉट द एरर का है, बट मैं स्पॉट द एरर से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले चल रहा हूँ आपका चेंज द वॉइस पे। मैं सबसे पहले जो है चल रहा हूँ चेंज द वॉइस पे, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया जाए, ठीक है? चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंसेस है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 182, ये 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो 182 डिवाइड बाय अगर 2 करूँ तो 91 क्वेश्चन में लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। टोटल 91 क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का लेके आया हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन। अब देखो मैं यहाँ पे फटाफट आपके सामने ये क्वेश्चन रखूंगा, और इन क्वेश्चन का आंसर्स आपको कंटिन्यूअसली लाइव चैट में देना है, ठीक है? जैसे ही मैं लाइव चैट में मेरे को आंसर मिल जाएगा, यस यस, मोस्ट क्लासेस पे भी चलेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स होंगे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैं जो है कवर करा दूंगा। देखते हैं, देखेंगे, ट्राई करेंगे 10 बजे तक जो है कंटिन्यूअसली बैठे रहे, 15 15 20 20 मिनट तक एक एक टॉपिक चलेगा, और आगे फिर हम अपन बढ़ते जाएंगे, ठीक है? चलो सबसे पहले जो है हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ही सेड। फटाफट जैसे मैं जो क्वेश्चन फटाफट रीड करूंगा ना, उसका आंसर फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में देते जाना, देन मैं भी जो है, युगांश एरिया से युगांश भी आ गया है, तो मैं फटाफट जो है आपको क्या करते जाऊंगा, मैं फिर उसके आंसर्स जो है बताते जाऊंगा, ठीक है? सो आप लोगों को बस क्या करना है, फटाफट उसके आंसर्स जो है टाइप करते जाना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही सेड आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ। ही सेड आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ, ओके, ठीक है? चलो इसका आंसर दो फटाफट फटाफट लाइव चैट में, मेरे को कंटिन्यूअसली सारे क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे इनिशियली 3 4 क्वेश्चन मैं खुद ही बता देता हूँ, देने में आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग दोगे सारे आंसर्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप लोग भी चाहो तो आप लोग लाइव चैट में फटाफट अपने आंसर देते जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं भी आपको आंसर देता हूँ। पहले का आंसर जो है, तो ही सेड, अब देखो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से मेरे को यहाँ पे कुछ भी, मतलब जो कोऑर्डिनेटर करेक्टर है वो दैट लगाऊंगा, तो ही सेड दैट आई हैव है, तो आई कौन है, ही खुद है, तो इसके लिए आई मुझे पता है कि ही है, तो मैं यहाँ पे वापस आई की जगह पे ही लिखूंगा। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो प्रेजेंट टेंस का हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, तो हैव की जगह पे हैड लगेगा। ही सेड दैट ही हैड ऑलवेज विज्ड दैट फॉर, अब ये माई सेल्फ, माई सेल्फ का ही खुद माई है, तो यहाँ पे माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ का हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है? देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहाँ पे एक एक करके सारे आंसर्स बताते जाऊंगा, आप भी अपने आंसर्स जो है टाइप करके चैट सेक्शन में डालते जाओ। जैसे ही एक क्वेश्चन आपने आंसर बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, जैसे ही नेक्स्ट हो गया उसके नेक्स्ट पे जाओ, जैसे उसका नेक्स्ट हुआ उसके नेक्स्ट पे जाओ, और मैं जैसे जैसे आंसर बताते जाऊंगा ना, वैसे वैसे आप अपने वो आंसर्स को चेक करते जाना, ठीक है? तो बेसिकली हमको जल्द से जल्द, मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिविजन करना है, ठीक है? सर इज टीचर्स आर ब्रोकन पेंसिल कॉज लाइफ विदाउट देम इज पॉइंटलेस। अरे यार ये अभी बकवास नहीं करो, मैं मार वार दूंगा पहले ही बता रहा हूँ, अभी मेरे को सीरियसली कराने दो पहले ही। एक तो दिमाग खराब हुआ है मेरा आज पेपर 2 3 जन का चेक करके, तो अभी आप लोग एक काम करो, फटाफट जो है मेरे को आंसर बताते जाओ,
अभी ये ज्ञान की बातों के लिए बाद में अपन बात करेंगे, बकैती आराम से बैठ के करेंगे, अभी बकैती करने नहीं बैठे हैं, अभी फटाफट अपने को क्वेश्चंस करते जाना है, ठीक है? तो फटाफट एक नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर बताते जाओ, रुको मत आप लोग नहीं रुकने चाहिए, आप लोग फटाफट नेक्स्ट आंसर पे चलते जाओ। द बर्ड रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो यहाँ पे आंसर आएगा द बर्ड रिप्लाइड दैट, अब आई एम है तो आई, अब बर्ड मोस्टली हम लोग बर्ड को जो है ये क्या बोलते हैं शी ही यूज करते हैं बर्ड के लिए, बिकॉज बर्ड को हम लोग ज्यादातर फेमिनाइन ही मतलब अज्यूम करते हैं, बर्ड हमारे मन में आता है तो बर्ड उड़ती है ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, पक्षी हुआ पक्षी उड़ रही है ऐसा हम बोलते हैं, पक्षी उड़ रहा है ऐसा नहीं बोलते, इसलिए मैं यहाँ पे शी बोलूंगा। तो बर्ड रिप्लाइड दैट शी, अब एम है तो एम मतलब प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में करना पड़ेगा, शी वॉज गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है? सो इस तरह से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यस चैट सेक्शन भी मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैं मुंडी नीचे जब मैं कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ और साथ साथ में मेरे बाजू में चैट में देखते जा रहा हूँ, तो मेरे को सारे चैट्स में पता चल रहे हैं। आप लोग का काम क्या पता है, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, जैसे ही एक क्वेश्चन हुआ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हुआ तीसरा क्वेश्चन, आप बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ के आप अपने आंसर्स बनाते जाओ और आंसर आप अपने चैट सेक्शन में लिखते जाओ फटाफट, देन मैं फटाफट जो है यहाँ पे आपको आंसर बताते जाऊंगा, ठीक है? मैं सारे चैट्स देख रहा हूँ कौन क्या लिख रहा है, आप लोग जो है लिखते जाओ फटाफट, एक हुआ दूसरा, दूसरा हुआ तीसरा, तीसरा हुआ चौथा, ऐसे फटाफट फटाफट सारे आंसर जो है यहाँ पे लिखते जाओ और मैं उसके आंसर जो है यहाँ पे आपको देते जाऊंगा, ठीक है? अपने वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है प्रिपरेशन करना है, ओके? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट नेक्स्ट पे नेक्स्ट चलते जाओ, वेट नहीं करना है, लक्ष्य रिप्लाइज नहीं आएगा, रिप्लाइड आएगा। यश पंडित जी इट इज सेटल्ड देन टुमारो मॉर्निंग वी शैल परफॉर्म फॉर द बॉय, तो यहां पे पंडित जी रिप्लाइड दैट इट वॉज सेटल्ड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग दे शुड परफॉर्म फॉर द बॉय, दे शुड नहीं, यहां पे ऑलरेडी जो है अपना वहां पे स्टार्टिंग में चीजें चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे दे शाल आएगा, दे शाल परफॉर्म फॉर दी बॉय, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा वाला शाल को मैंने शाल इसीलिए रहने दिया है बिकॉज जो मेरा पहला वाला जो है द नेक्स्ट मॉर्निंग दे शुड परफॉर्म फॉर द बॉय, शुड नहीं आएगा बिकॉज पहला जो है यहाँ पे पंडित जी रिप्लाइड दैट येस इट वॉज सेटल, हाँ पंडित जी रिप्लाइड दैट येस यहां पे आएगा, पंडित जी रिप्लाइड रिप्लाइड दैट यस इट वॉज सेटल्ड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग दे शैल परफॉर्म फॉर द बॉय, यस दे शैल ही आएगा, शैल इसलिए आएगा बिकॉज पहले ही जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे मैंने इसका वॉस कर दिया है, ठीक है? तो इसी वजह से जो है मेरा वो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरे हमेशा हमको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में जो भी चेंज करना होता है वही करना रहता है, सेकेंड में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? चलो फटाफट नेक्स्ट पे चलते जाओ, एक आंसर दे के रुक मत जाओ, जैसे ही आपका एक आंसर हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट आप आंसर यहाँ पे टाइप कर दिया, मैं फटाफट आंसर फिर बताते जाऊंगा। आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर पंडित रविशंकर शी सेड टू हर मदर लेटर, शी टोल्ड हर मदर दैट शी डजेंट नो व्हेन व्हेन शी डजंट नो व्हेन नो व्हेन व्हेन की स्पेलिंग नहीं आ रही है मेरे को, शी डजंट नो व्हेन दे वुड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर पंडित रविशंकर, ठीक है? मैंने आगे लिख दिया, ओके तो वहां पे मेरा आगे वही है, शी टोल्ड हर मदर दैट शी डजेंट नो व्हेन दे वुड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर
पंडित रविशंकर, ओके ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड का है, चलो मतलब ये फोर्थ था, चलो फिफ्थ बताओ, फिफ्थ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। यस शी डिडेंट नो, शी डोंट, यस शी डोंट, यस बराबर, रोहित ने मिस्टेक बराबर पकड़ा, डजेंट का यहाँ पे डिडेंट आएगा, मैंने यहाँ गलती कर दी, बिकॉज अपना ऑलरेडी यहाँ पे डू है, डू ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो यहाँ पे शी डिडेंट आएगा, यस एकदम परफेक्ट, चलो इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का ध्यान है, डजेंट नहीं आएगा, शी डिडेंट आएगा, अब तक किसी ने भी शी डिडेंट नहीं लिखा था, सिर्फ एक रोहित ने बताया कि सर शी डिडेंट होगा, तो डिडेंट होगा बिकॉज डोंट, डोंट का मतलब क्या है, डू प्लस नॉट तो डोंट है, तो वो प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में डिडेंट हो जाएगा, यस शी डिडेंट नो, सब छाप रहे, जब मैं जो आंसर लिख रहा हूँ वही आंसर सब छाप छाप के बस लिखे जा रहे हैं, सेम आंसर छापने नहीं बैठो, अपने आंसर्स क्वेश्चन पढ़ो और अपने आंसर्स बनाओ फटाफट करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, आई डोंट नो यू एंड आई हैव नथिंग, चलो नेक्स्ट, द किंग सेड दैट ही डिड नॉट नो हिम एंड, एक तो यार मैं बोल कुछ और रहा हूं लिख कुछ और रहा हूं, ही डिड नॉट नो हिम, देखो यहां पे द किंग सेड दैट ही डिड नॉट नो हिम एंड ही हैड नथिंग टू फॉरगिव, का फॉरगिव ही रहेगा, फॉरगिव हिम फॉर, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, द किंग सेड दैट ही डिड नॉट नो हिम एंड ही हैड नथिंग टू फॉरगिव हिम फॉर, ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग सेड दैट ही डिड नॉट नो हिम एंड ही हैड नथिंग टू फॉरगिव हिम फॉर, फॉरगिव नहीं आएगा, फॉरगिव का फॉरगिव ही रहेगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, रुकना नहीं है आप लोग, देखो आप लोग वेट नहीं करो, आप लोग फटाफट फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते जाओ बिना रुके, कंटिन्यूअसली आप लोग जो है क्या करो, कंटिन्यूअसली आप लोग जो है, एक क्वेश्चन खत्म हुआ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ तीसरा, तीसरा खत्म हुआ चौथा, आई आस्क माय टीचर दैट व्हाई वाज, हाँ यस नेक्स्ट, नेक्स्ट मोक्ष ने बताया, देखो आ जाओ, तो आई आस्क्ड माई टीचर्स वाई ही वॉज वर्किंग आउटसाइड, सर नो का न्यू नहीं होगा, शी डिड नॉट, हाँ न्यू हो जाएगा बराबर, यहाँ पे नो का न्यू हो जाएगा, शी डिड नॉट न्यू बिकॉज वो आपका टेंस चेंज हो जाएगा, बराबर प्रियांशी एकदम परफेक्ट बोला, नो का न्यू हो जाएगा, शी डिड नॉट न्यू हिम एंड ही हैड नथिंग टू फॉरगिव हिम, तो फिर फॉरगिव होगा यहाँ पे भी बिकॉज पास्ट टेंस में हो रहा है ना, फॉरगिव होगा, न्यू ही डिड नॉट न्यू और यहाँ पे फॉरगिव, यस यस ध्यान में आया मेरे को, बराबर पास्ट टेंस में जा रहा है ना, तो पास्ट टेंस में चीजें भी तो पहले चाहिए ना, यस यस बराबर है, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, आई आस्क माई टीचर, एम कैपिटल नहीं होगा सृष्टि, आई आस्क माई टीचर वाई ही वॉज वर्किंग आउटसाइड, जैसे ये क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का, और मैं इसका पीडीएफ जो है आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ वो तो क्वेश्चन आप कर ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग कर सको प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन पहले अपन यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में दैट क्यों नहीं लिखा, दैट इसने लिखा बिकॉज जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके अंदर कनेक्टर जो है आस्क्ड आता है, ठीक है आस्क्ड आता है, और यहाँ पे आस्क्ड मैंने कनेक्टर लिख दिया है, ठीक है इसमें मतलब इसमें कोई कनेक्टर वगैरह नहीं आती है चीजें, सर दैट नहीं लिखा आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स में, यस दैट नहीं लिखते हैं, कल का अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेसन अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया असर्टिव में कौन सा कनेक्टर लगता है, मतलब इंपरेटिव में कौन सा कनेक्टर लगता है, इंट्रोगेटिव में कौन सा और इंपरेटिव में कौन सा, सब में कनेक्टर अलग अलग है, चलो आप लोग रुक क्यों जा रहे हो, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो,
एक क्वेश्चन हो के मेरे को कितना टाइम हो चुका है, इधर कब से देख रहा हूं मैं लाइव चैट में। नेक्स्ट चलो फटाफट आंसर फटाफट देते जाओ। हॉकिंग सेड दैट दे टुक अ मसल सैंपल फ्रॉम माय आर्म एंड स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन मत करो, सेवेंथ वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, सेवेंथ क्वेश्चन रॉन्ग है, सेवेंथ क्वेश्चन मत करना, वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है। सेवेंथ क्वेश्चन मत करो, एट्थ पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, तब तक मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन तो ऐसे गड़बड़ नहीं है ना। ओके ठीक है, तो बहुत लोगों ने बना दिया, ठीक है जो आपने बनाया है वो करेक्ट है। अगर मैं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग भी समझ के अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका आंसर यही आएगा कि हॉकिंग सेड दैट दे हैड टेकन अ मसल सैंपल फ्रॉम हिज आर्म एंड स्टक इलेक्ट्रोड इन टू हिम। हॉकिंग सेड दैट, यस, अगर आप लोग इसको रॉन्ग भी नहीं समझ के अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप इसका बन सकता है, तो इसका आंसर यही है जो आप लोगों ने बनाया है, ही आस्क द बर्ड दैट। हाँ तो यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कॉमा फुल स्टॉप इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है, तो यहाँ पे जो लोगों ने बनाया है सेवेंथ नंबर का, वो सेवेंथ का राइट बना रहे हो आप लोग। हॉकिंग सेड दैट दे हैड टेकन अ मसल सैंपल फ्रॉम हिज आर्म एंड स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू हिम, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। ही आस्क्ड द बर्ड व्हाई व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे इसका आंसर है ही Asked the bird what she was doing, ये इसका करेक्ट आंसर है। बर्ड को हम लोग मोस्टली सी शी ही कंसिडर करते, इसके लिए शी बोल के मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। मैरीकॉम, अब मैरीकॉम ये कह रही है कि यस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे ये भी अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे सेड लिखा है ऐसा अज्यूम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ही आस्क व्हाट शी वाज डूइंग, यस करेक्ट है। चलो फटाफट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैरीकॉम, यस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वेयर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट, तो यहाँ पे इसका आंसर फटाफट बता दो। मैरीकॉम वाला अज्यूम करो कि मैरीकॉम वो डबल जहाँ पे कॉलन लगा हुआ है वहां पे सेड लिखा हुआ है, मैरीकॉम सेड दैट शी वॉज, है क्या लिख रहे हो, मोक्ष गलत लिख रहे हो, देखो आई थिंक है, थिंक है मतलब प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट में जाएगा, तो मैरीकॉम सेड दैट यस शी थॉट सम ऑफ द डिसीजंस वेयर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू हर बेनिफिट, बाकी सब करेक्ट है। मैरी कॉम अग्रीड दैट, यस अग्रीड भी लिखोगे तो भी चलेगा। सेड दैट अगर आप इसको हटा के यहाँ पे ये इतने पार्ट की जगह अगर आप अग्रीड भी लिख रहे हो ना तो भी एकदम करेक्ट है। मैरी कॉम अग्रीड दैट, मैरी कॉम अग्रीड दैट, सेड दैट यस की जगह पे आप अग्रीड दैट लिख रहे हो तो भी करेक्ट है। यस मैरी कॉम अग्रीड दैट सम डिसीजंस वेयर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू हर बेनिफिट, यस करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, ये एकदम सही आंसर है। मैरी कॉम सेड दैट, सॉरी मैरी कॉम अग्रीड दैट सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू हर बेनिफिट। देखो आपको वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब पे सब पे ध्यान रखना है, पास्ट टेंस में पहुंचा रहे हो तो सबका सबको पास्ट टेंस में डालो प्रॉपरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड She thinks some of the decisions were unfortunate, unfortunately नहीं रहे बेवकूफ, was unfortunate and did not work to her benefit. Yes, साक्षी जो आपने लिखा ये भी लिख सकते हो। Mary Combs said that she, yes, नहीं, सृष्टि गलत है आपका, सृष्टि आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
यस बेस्ट ऑफ लक एसएससी। रमेश आ गए हैं वापस से, अभी टाइम है इनको, मंडे को है इनका पेपर। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। ही टुक मी टू अ रूम व्हिच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। जल्दी जल्दी इसका आंसर दो, इसका आंसर चाहिए मेरे को। ही टुक मी टू अ रूम व्हिच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड। देखो, ही टुक मी टू ए रूम विच हैड ए ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड व्हाट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई हैड लाइक्ड। आई हैड लाइक्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई हैड लाइक्ड। सॉरी, आई लाइक्ड, आई हैड लाइक्ड नहीं आएगा, गड़बड़ लिख दिया मैंने। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक्ड। ठीक है, बाय टेकिंग मी इन द रूम विच हैड अ ग्रेमोफोन इट ही आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक्ड। यस हर्षिता, ये भी करेक्ट है। खाली कॉमा नहीं लगाना, कॉमा बस मत लगाना, कॉमा नहीं लगाना, बाकी सब गलत है। सही है, ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रेमोफोन इट एंड आस्क व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक। यस करेक्ट है, करेक्ट है प्रियांशी का भी करेक्ट है। ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रेमोफोन इन इट एंड आस्क व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक। यस रोहित करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 10 10 क्वेश्चन हो गए, फटाफट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलो। टुक का टेकन होगा क्या सर? नहीं, टेकन नहीं होगा, टेकन नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी चीजें चेंज करते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीजें चेंज करते हैं, बाहर का हम लोग सब कुछ सेम रखते हैं। सी आस्क दैट आर यू नॉट गोइंग टू हैव एनी, गलत है मोक्ष, गलत है साक्षी, गलत है आचल, गलत है मोक्ष, फिर से गलत है। जल्दी मेरे को एक इसका राइट आंसर बताओ। आर एंट यू गोइंग टू हैव एनी शी आस्क्ड। भक्ति रॉन्ग है, याद करो इंटरोगेटिव में दो रूल थे, जल्दी बताओ। शी आस्क इफ ही वॉजेंट गोइंग टू हैड एनी। यस एंजल करेक्ट है। शी आस्क्ड वेदर, या तो इफ, दोनों में से आप जो लगाना चाहो चलेगा, वेदर आई वॉज, या आई लिखो या ही लिखो, दो भी दो दो चलेगा, आई या फिर ही भी लिखोगे तो भी चलेगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू हैड एनी। शी आस्क वेदर इज ही गोइंग टू हैव एनी। राधिका गलत है। प्रियोजीत, वेदर ही शी वॉज गोइंग टू हैड एनी। यस प्रियोजीत राइट है। प्रियांशी, शी हैड इफ ही वॉजेंट गोइंग टू हैड एनी। यस राइट है। वेदर आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी। भक्ति रॉन्ग है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति रॉन्ग था वापस से। शी आस्क्ड इफ ही वॉज नॉट गोइंग टू हैड एनी। यस स्वरा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। 11वां हो गया, नेक्स्ट पे चलो 12th पे। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं इसके लिए इतना करा रहा हूँ बिकॉज 2 मार्क के लिए गारंटेड आएगा ही आएगा, गारंटेड है 2 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। शी आस्क्ड इफ ही वॉज नॉट गोइंग टू हैड एनी। यस करेक्ट है। चलो 2 मार्क के लिए गारंटेड ये आएगा ही आएगा, इसके लिए मैं इतना इसके ऊपर इसको इतना करवा रहा हूँ। ठीक है चलो नेक्स्ट। रॉबर्ट आस्क्ड जोन दैट वेदर ही हैड सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग। अच्छा इसने से नेक्स्ट वाला बता दिया। ही सेड यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स। लक्ष्य राइट है।
ही सेड दैट यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स. यस मोक्ष आपका एकदम परफेक्ट है. यहाँ क्वेश्चन मार्क का सिंबल जरूर है बट ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है. इसका आंसर है ही. इसका आंसर है ही सेड दैट ही कुड गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ ही कैन गिव मी एन एग्जाम्पल. बस इतना ही आएगा, परहैप्स अड़ जाएगा, बस इतना ही आएगा. ही कुड गिव मी एन एग्जाम्पल. यस नेक्स्ट नेक्स्ट का इसने बताया था, दिव्या ने बताया था थोड़ी देर पहले. दिव्या ने जस्ट बताया था, क्या बोला था? रॉबर्ट आस्क्ड जोन. रॉबर्ट आस्क्ड, सेट टू का आस्क हो जाएगा. रॉबर्ट आस्क्ड जोन इफ शी इफ यू एवर इफ शी हैड एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग. इसका ये करेक्ट आंसर है, चेक कर लो, चेक कर लो. चलो फटाफट नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे चलो. रॉबर्ट आस्क्ड टू जोन, टू जोन नहीं रहे, लक्ष्य टू जोन नहीं आएगा, रॉबर्ट आस्क्ड जोन आएगा. सेट टू जोन नहीं आएगा, आस्क्ड जोन. इफ आई हैड एवर सीन, आई नहीं, इफ शी जोन को पूछ रहा है ना, तो जोन को बोलेगा ना कि इफ शी हैड एवर सीन, शी हैड एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग. रॉबर्ट आस्क्ड जोन इफ शी, अरे जोन लड़का है, लड़की थी, ही कहाँ से लिख रहे हो? शी आस्क्ड मी वेदर आई रिमेम्बर वेन द फर्स्ट टाइम शी सॉ. ओके दीक्षा ने नेक्स्ट बताया, शी आस्क्ड वेदर आई हैड रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम, वेदर ही हैड रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम ही हैड ही शॉ द मैन आस्क्ड. यस तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला. डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू शी आस्क्ड. तो यहाँ पे आएगा शी आस्क्ड वेदर ही डिड रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम ही सॉ हर. ही सॉ हर, यू का हर होएगा बिकॉज यू जो है यहाँ पे शी है. शी आस्क इफ ही रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम ही सॉ हर. यस एंजल करेक्ट है. शी आस्क्ड इफ ही रिमेम्बर इफ ही रिमेम्बर्ड, इफ ही रिमेम्बर्ड, डू यू रिमेम्बर, इफ ही डिड रिमेम्बर आएगा. डिड लगाना रह गया तो आपका डिड आएगा बिकॉज डू है ऑलरेडी, तो डू सेंटेंस में है, इसी वजह से जो है यहाँ पे ये आ गया, डिड आ गया. वॉट नहीं आएगा, वेदर या इफ आएगा. वेदर या इफ ही डिड रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम ही सॉ हर. यस शी आस्क वेदर ही डिड रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम ही सॉ हर. यस यस करेक्ट है, करेक्ट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 15th क्वेश्चन पे चलो, 15th क्वेश्चन पे फटाक से आ जाओ, 15th पे आओ. 15th करके फिर हम लोग बीच में फिर काफी सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे, फिर एंड के क्वेश्चंस चलेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा. फिर एक दो में बस 15th क्वेश्चन करके, नहीं 15th क्वेश्चन करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, फिर हम लोग चेंज द वॉइस पे चलेंगे. 15th क्वेश्चन करेंगे हम लोग. और उसके बाद देखो ये बड़े बड़े, अब आप लोगों को कोई बोलेगा ना कि अरे सर एग्जाम के क्वेश्चन करो एग्जाम के, तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप लोगों को आते हैं, ठीक है? तो ये एकदम प्रॉपर एग्जाम के क्वेश्चन है. और देख रहे हो बड़े एकदम, ऐसा भी नहीं कि एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस है, एकदम प्रॉपर जो है बड़े बड़े सेंटेंसेस है, और ऐसे 91 सेंटेंस है. अगर आपने बस ये 91 सेंटेंस एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, आपके लिए इनफ हो जाएगा ये, ठीक है? तो मैं देखता हूँ अभी तो ये मतलब अभी हम लोग 15 करते हैं. अगर अच्छी तरह से अगर आप लोग वापस, अगर मतलब लाइव में ही करना होगा, ठीक है? टीम एक पोल क्रिएट करना कि इनको पूरा प्रैक्टिस ग्रामर का लाइव में ही करना है या फिर ये, तो मेरे को अभी एक पोल आ जाएगा, आप उसमें बताओ कि लेट नाइट आपको लाइव में अगेन वापस से प्रैक्टिस चाहिए, लाइव प्रैक्टिस ही चाहिए, या फिर आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लोगे. क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं सारे कराऊंगा तो मैं 15-15 करके सब चलूंगा, तो इसका पार्ट टू भी चाहिए क्या आपको, ताकि आपका लाइव में ही सारा प्रैक्टिस हो जाए. तो वो चीज़ मेरे को पोल में बताओ, पोल में जो है मुझे वो चीज़ बताओ, ठीक है? पोल यहाँ पे टीम एक क्रिएट कर दो कि इनको जो है वेदर यू वॉन्ट ग्रामर प्रैक्टिस लाइव ओनली,
और नॉट, तो आप लोग उसमें बता दो कि आपको लाइव में ही चाहिए पूरा ग्रामर प्रैक्टिस, इसका पार्ट टू भी चाहिए, या फिर आप लोग खुद से कर लोगे और यहाँ पे मैं फिर 15 ही करवाऊँ। चलो 15th का आंसर, द मैन सेड नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। द मैन सेड दैट इफ ही लिव एंड इफ ही विश इट ही विल ही वुड सर्व ऑल हिज लाइफ। द मैन सैड दैट नाउ इफ आई लिव, नाउ इफ कहाँ से आएगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी पूछा है। अच्छा नहीं आएगा आएगा, सॉरी सॉरी आएगा आएगा। द मैन सैड दैट इफ ही लिव, द मैन सैड दैट नाउ हट जाएगा, नाउ हट जाएगा, नाउ हटा देना। द मैन सैड दैट इफ ही लिव्ड, इफ ही लिव नहीं, इफ ही लिव्ड एंड इफ ही विश्ड इट, इफ ही विश इट, खाली पहला वाला लिव का लिव्ड आ जाएगा, बाकी सब में सब सही रहेगा। इफ ही विश इट ही वुड सर्व ऑल हिज लाइफ, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है करेक्ट आंसर क्या है। तो पार्ट टू इसका चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव में ही सारा प्रैक्टिस चाहिए, आप लोग खुद कर लोगे? अगर आपको लाइव में ही सारा प्रैक्टिस चाहिए तो लेट नाइट अपन इसका पार्ट टू भी लेके आएंगे, ग्रामर प्रैक्टिस सेशन पार्ट टू। तो यस और नो करके बता दो, यस नो करके बता दो। तो अभी मैं 15 यहाँ पे करवा रहा हूँ, उसके बाद जो बाकी जो बचे रहेंगे वो फिर जो है हम लोग क्या बोलते हैं इसमें फिर पार्ट टू में करेंगे, अगर आप लोगों को लाइव ही चाहिए रहेगा तो। ठीक है, फटाफट जितने भी लोग हैं सब लोग यस नो करके बताओ वहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो सो तब तक अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। उससे पहले मेरे को यहाँ पे चेंज द वॉइस करवाना है। चलो चेंज द वॉइस करेंगे, उसके बाद जो है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर चलेंगे। चेंज द वॉइस क्या, रुक जाओ, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के पहले जो ऑलरेडी आपने सीख लिया डिग्री ऑफ कंपेरिजन ये सब कर लेंगे, उसके बाद जो है चलेंगे। ठीक है चलो, 32 वोट्स ही आए हैं, मेरे को सभी लोगों के वोट्स चाहिए। और फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो, पहले इतने लोग लाइव में बैठे हुए हैं और लाइक्स नहीं है स्ट्रीम को, फटाफट लाइक मारो सब लोग। चलो यहाँ पे पहला वाला छोड़ दो, पहले वाले का मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप लोग दूसरे से बताना चालू करो, दूसरे तीसरे से आप लोग बताना चालू करो, दूसरा तीसरा चौथा आप लोग बताना चालू करो, पहला मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला छोड़ दो, पहला मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप लोग दूसरा तीसरा सब बताना फटाफट चालू कर दो। चलो फास्ट स्टार्ट कर दो, चेंज द वॉइस के आंसर्स बताना चालू कर दो, पहला छोड़ो सेकंड थर्ड सेकंड से स्टार्ट करो। पहले का आंसर मैं आपको बताता हूं, पहले का आंसर है कैन योर अबॉर्ड बी गिवन अप बाय यू। देखो इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होता है, ये आपको फोकस करना है बस, जब आप चेंज द वॉइस करते हो तो टाइप ऑफ सेंटेंस जो है नहीं चेंज होता है। यस, सेकेंड का आंसर है फादर परेरा इनवाइटेड डॉक्टर साराभाई टू द टेस्ट, तो डॉक्टर साराभाई वॉज इनवाइटेड बाय फादर परेरा टू द डेज। ठीक है फटाफट आप लोग, एक हुआ दूसरा, दूसरा हुआ तीसरा, तीसरा हुआ चौथा, ऐसे करके करते जाओ। ठीक है 77% लोग बोल रहे हैं कि लाइव ही प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ओके, देखता हूँ फिर मैं लेट नाइट फिर एक और लाइव सेशन ही फिर ले लेंगे। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, जिम ड्रिव अप जिम ड्रिव अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवर कोट पॉकेट,
तो यहाँ पे आंसर आएगा ए पैकेज वॉज ड्रिवन बाय जिम फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे पैकेज वॉज ड्रिवन बाय ड्रिवन फ्रॉम हिज ओवर पॉकेट बाय जिम, अगर ये लिख रहे हो तो भी आपको राइट मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये लिख रहे हो कि अ पैकेज वॉज ड्रिवन फ्रॉम हिज ओवर कोट बाय जिम, अगर ये आंसर आपने लिखा है तो भी आपको जो है राइट ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्पोक टू हिम, तो इसलिए प्रियांशी ने इसका आंसर दे दिया है, आई स्पोक टू हिम, ही वॉज स्पोकन बाय मी, ही वॉज स्पोकन बाय मी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलो फटाफट। साइंस एक्सिलरेट प्रोग्रेस एंड फेथ कर्व्स इट। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा लेक्चर अच्छी तरह से चल रहा है और मैं आप लोगों को जरा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जरा ये आशीष चंचलानी नामक एक कुछ व्यक्ति आए हैं, जरा सब इसको रिपोर्ट मारो, तो सब रिपोर्ट मारो। एक बार जरा रिपोर्ट मारो, तो सबके सब रिपोर्ट मारना इसको। मैं को कब से मैसेज कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं बोला बकवास कर रहा है, जान दो, अंदाजा तो है कौन है बट स्टिल जान दो, छोड़ो अपने को मतलब नहीं है, आप लोग बस रिपोर्ट मार दो इसको। साइंस एक्सेलरेट प्रोग्रेस एंड फेथ कर्व्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट। साइंस एक्सेलरेट प्रोग्रेस एंड फेथ कर्व्स इट। तो यहां पे दो है, दो सेंटेंसेस है, आ जाइए देखो मैं इसका करके दिखाता हूं। प्रोग्रेस इज एक्सिलरेटेड, प्रोग्रेस इज एक्सिलरेटेड बाय साइंस एंड इट इज कर्व्ड बाय फेथ। देखो इसका करेक्ट आंसर ये, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे ना, साइंस एक्सेलरेट प्रोग्रेस ये एक सेंटेंस है और फेथ कर्व्स इट ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे दो सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है और यहाँ पे दो इंडिविजुअल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट दो सेंटेंसेस है। एंड प्रोग्रेस इज एक्सेलरेटेड बाय साइंस एंड इट इज कर्व्ड बाय फेथ, ये जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट। प्रोग्रेस इज एक्सिलरेटेड बाय साइंस एंड इट इज कर्व्ड बाय फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज आंसर्स मेड मी एंग्री, हिज आंसर मेड मी एंग्री। क्या लिख रहे हो इसका आंसर? आई वॉज मेड एंग्रीड बाय हिम, हिज आंसर मेड मी एंग्री। आई वॉज एंग्रीड, आई वॉज एंग्रीड बाय हिज आंसर्स, आई वॉज एंग्रीड बाय हिज आंसर। एंड्रयू, आई वॉज एंग्रीड बाय हिज आंसर, एंग्री नहीं एंग्रीड, एंग्रीड, आई वॉज एंग्री बाय हिज आंसर। एंग्री आएगा कि एंग्रीड आएगा? एंग्रीड आएगा, ए एन जी आर
ANGERED, ANGERED. आई वॉज एंग्रीड बाय हिज आंसर. ये इसका करेक्ट आंसर है. मैंने जो लिखा है वो परफेक्ट है. आई वॉज एंग्रीड, एंग्रीड का स्पेलिंग रॉन्ग है. जो मैंने पहले रॉन्ग लिखा था वही ये राधिका भी लिख के दे रही है, रॉन्ग स्पेलिंग लिख रही है. GERED, एंग्रीड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड. अ बुक ऑफ माइंड हैड बीन रेड बाय हर. चलो, शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइंड. तो अ बुक ऑफ माइंड हैड बीन रेड बाय हर. अ बुक ऑफ माइंड वॉज रेड, वॉज नहीं, तन्वी वॉज नहीं. देखो हैड ऑलरेडी है तो हैड का हैड बीन हो जाएगा, हैड का हैड बीन हो जाएगा. अ बुक ऑफ माइंड हैड बीन रेड बाय हर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द IAF. तो अ मेजर रोल वॉज प्लेड बाय हिम इन ट्रांसफॉर्मिंग द IAF. तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इन ट्रांसफॉर्मिंग द IAF अ मेजर रोल वॉज प्लेड बाय हिम. ठीक है, जो मैंने जिन्होंने चेंज द वॉइस अच्छी तरह से किया हुआ है उनको ये चीज बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में एंडिंग में कहीं भी. विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स. विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स. देखो, अगर सुनो, यहां पे मैं ये एक चीज बहुत सिंपली रखता हूं. स्टोरी में लिखा लिखना के लिए फ्रेजेस दो ना सर. स्टोरी में के लिए फ्रेजेस वो तो सोचना पड़ेगा. ऐसे आप लोग जो प्रोवर्ब्स पढ़ते हो वो भी फ्रेजेस लिख सकते हो ना. तो यहाँ पे देखो, अब विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम अ बॉक्सर्स. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो, यू आपका सब्जेक्ट है, ट्रेन आपका वर्ब है, योर किड्स ऑब्जेक्ट है, और बाकी सब जो है आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. तो देखो, मैं स्टार्टिंग का सेम रख रहा हूँ, एंड का सेम रखना, क्वेश्चन भाग भी मेरे को सेम ही रखना है. ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं फिर. यहाँ पे विल योर किड्स, विल योर किड्स विल योर किड्स बी ट्रेंड, विल योर किड्स बी ट्रेंड बाय यू टू बिकम बॉक्सर्स. देखो ध्यान से, जो ये चेंज द वॉइस में ना, चेंज द वॉइस में अपन ने ज्यादा कभी भी ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की इतनी प्रैक्टिस नहीं की है. और आज जो है इंटरोगेटिव सेंस, समीर हाय हाय. सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आज मिल गए हैं यहाँ पे. सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे ये कैसे कर सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पे जो है बता दिया है. ठीक है, समीर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैंने भेजा हुआ है. व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो वहां पे आ जाओ. देखो, द मेन्यू स्टार्ड मी, ये एक आंसर सब लोग लिख रहे हो. द मेन्यू स्टार्ड मी, ये एक आंसर. एंड में देखो, यहाँ पे जो चेंज द वॉइस में आपको एक चीज ध्यान रखना है. मैंने थोड़ी देर पहले भी जब स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया था तब भी मैंने बताया था कि चेंज द वॉइस में आपका अगर जो ओरिजिनल सेंटेंस अगर वो असर्टिव में, तो असर्टिव में ही रहेगा. अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा. ये ध्यान रखना है. जैसे अभी देखो, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस था क्वेश्चन मार्क वाला, तो मैंने पूरे सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क के ही फॉर्म में रखा है. ठीक है, ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना. यहाँ पे मैं इसका एक और आंसर देता हूं. व्हेन द मेन्यू विल क्या, कुछ तो किसी ने पूछा. लक्ष्य, लक्ष्य क्या पूछ रहे हो, लक्ष्य क्या पूछ रहे हो.
व्हेन द नहीं व्हेन गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखो एक इसका आंसर है जो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो ये भी हो सकता है इसका आंसर, आई वॉज स्टार्ड व्हेन, आई वॉज स्टार्ड व्हेन दे ब्रॉट द मेन्यू। मैंने इसको क्या कर दिया मालूम है, मैंने ना यहाँ पे ये वाला जो मेन्यू वाला जो है स्टार्ड वाला जो चीज है यहाँ पे स्टार्ड वाली जो चीज है उसको मैंने देखो कैसे आपके लिए सामने करके दिखाया है कि आई वॉज स्टार्ड वेन द मेन्यू वॉज ब्रॉट। तो द मेन्यू वॉज ब्रॉट, वेन द मेन्यू वॉज ब्रॉट ना मैंने इसको मेन रख लिया है, और आई वॉज स्टार्ड जो है इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर दिया है। तो मैंने इसको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करके किया ना, तो मेरा ये आंसर जो एकदम परफेक्ट बनता है कि आई वॉज स्टार्ड वेन द मेन्यू वॉज ब्रॉट, तो वेन दे ब्रॉट द मेन्यू। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हो। टेंथ वाला नहीं हो रहा है, टेंथ वाला मैंने बताया ना, टेंथ वाला ऐसे है। ठीक है, द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द आर्टिस्ट, अ स्टैंडिंग ओवेशन। बेसिकली ना टेंथ वाला जो क्वेश्चन है, टेंथ वाले क्वेश्चन में ना हिडन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो हिडन है, इसी वजह से आपसे नहीं हो पा रहा है। अ स्टैंडिंग, तो ऑब्जेक्ट मैंने दे ले लिया यहाँ पे, अ स्टैंडिंग ओवेशन वॉज गिवेन बाय दी ऑडियंस टू द आर्टिस्ट। ठीक है, चलो करेक्ट है। नेक्स्ट, यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, समथिंग हैव टू बी ट्रस्टेड। यहां पे इसका आंसर है समथिंग, समथिंग्स हैव टू बी ट्रस्टेड। ये थोड़ा यहाँ पे एक्सेप्शन वाले रूल लग रहे हैं स्टूडेंट, ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी का रूल लग रहा है ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है। हाँ, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि वो जो जो नहीं आ रहा ना, अभी जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया, 12वां छोड़ के सब 13th का आंसर फटाफट लगा दिए। समथिंग्स हैव टू बी ट्रस्टेड बाय यू, यस समथिंग्स हैव टू बी ट्रस्टेड बाय यू लिखो, यस समथिंग्स हैव टू बी ट्रस्टेड बाय यू, समथिंग हैव टू बी ट्रस्टेड बाय यू, समथिंग हैव टू बी ट्रस्टेड बाय यू। नेक्स्ट, आई नो यू, यू आर नोन बाय मी, यू आर नोन बाय मी। लक्ष्य क्या पूछा है, समथिंग्स नोन टू बी ट्रस्टेड, अच्छा कुछ तो बोल रहा है, यू आर नोन बाय मी, यस करेक्ट है, करेक्ट है, 13 तक करेक्ट है। गिव हर वॉट शी वॉन्ट्स, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे चलो, गिव हर वॉट शी वॉन्ट्स, गिव हर वॉट शी वॉन्ट्स। स्टूडेंट इतने लोग आए हो, जो भी लोग नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मारो और जो है बेल आइकन दबा लो, ताकि आप लोगों को आगे की भी चीजें जो है पता चल जाए। ठीक है, और बाकी जो ये है क्या बोलते हैं, जो जो भी नए आ रहे हो फटाफट लाइक मारते जाओ, अगर आपको लग रहा है वर्थ है तो लाइक करो, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक मार दो, आपकी मर्जी। लग रहा है आपको अगर वर्थ है तो लाइक मारो, नहीं लग रहा है डिसलाइक मार दो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाया हुआ अभी जो वर्थ लग रहा है तो माई लाइक मार दो। सर हैड आएगा ना, नहीं नहीं हैड नहीं आएगा, अरे हैड कैसे आएगा, आई नो यू, आई नो यू प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस में ही चीजें रहती है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट में ही, चेंज द वर्ड्स में थोड़ी ना टेंसेस चेंज होते हैं। गिव हर व्हाट शी वांट्स, गिव हर व्हाट शी वांट, तो इसका आंसर देखो ऐसा है, जस्ट इसका आंसर थोड़ा सा अलग है, रुको बताता हूं मैं, इसका सजेशन है, देखो सजेशन दिख रहा है ना, ओके सजेशन यहाँ पे, गिव हर व्हाट शी वांट्स, आपको सजेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे शी शुड बी गिवन, शी शुड बी गिवन व्हाट शी वांट्स। देखो इंपरेटिव सेंटेंस है ना ये, इंपरेटिव सेंटेंस है, देखो टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज हुआ है, सेंटेंस इंपरेटिव है, शी शुड बी गिवन व्हाट शी वांट। अच्छा, अरे मेरे से पहले ही बता दिया यार बहुत लोगों ने,
ठीक है, शी शुड बी गिवन व्हाट शी वांट्स, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है। चलो, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर। ठीक है, इंपरेटिव में यहाँ पे आप लोग लेट वाला भी लगा सकते हो, आप लोग शुड वाला आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, और लेट वाला जो होता है, लेट का रूल, के लेट लेट से जो स्टार्ट होता है वो भी जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलो, आई शेल सेंड यू बैक टू योर फादर, यू विल बी सेंट बैक टू योर फादर बाय मी। यस, करेक्ट है, यू विल बी सेंट बैक टू योर फादर बाय मी, यू विल बी सेंट बैक टू योर फादर बाय मी। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, देखो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हम लोगों का वहां पे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शैल रहता था तो हम लोग शुड करते थे, विल रहता था तो वुड करते थे। यहाँ पे चेंज द वॉइस में शैल का हम शैल भी करेंगे और विल का हम विल भी करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग, के चेंज द वॉइस में शैल का शैल भी विल का विल भी होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन्स, ओके, नेक्स्ट आंसर भी दे दिया, द बटन्स वर नॉट बीइंग प्रेस्ड बाय द जजेस। यस, करेक्ट है, द बटन्स वर नॉट बीइंग प्रेस्ड बाय द जजेस। देखो स्टूडेंट्स, आप अगर ये वीडियो, जो भी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप लोगों को क्या देखना था, पहले आप लोगों को एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना था। एक्सप्लेनेशन में हर चीज हम लोगों ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन में पूरा का पूरा ग्रामर का एक्सप्लेनेशन हुआ है, उसके बाद हम लोग ये प्रैक्टिस ले रहे हैं। ठीक है, चलो, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, फटाफट, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, फटाफट इसका आंसर दो, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। चलो एवरीवन, फटाफट आंसर देते जाओ। द टी इन द मॉर्निंग वॉज मेड बाय मी। यस, ये भी करेक्ट है, द टी वॉज मेड बाय मी इन द मॉर्निंग, ये भी करेक्ट है। दो आंसर देखो, आज ये चीज का मैं यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो कॉम्प्लीमेंट वाली चीज है वो आप कहीं भी लगा सकते हो, इन द मॉर्निंग ये कॉम्प्लीमेंट है तो आप जहां चाहो वहां जो है लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो, गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स, गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स, तो इसका भी आंसर जो है काफी लोगों ने दे दिया है, कि द यूनिवर्स कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय द गॉड, द यूनिवर्स कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय द गॉड। ठीक है, द यूनिवर्स कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड, द यूनिवर्स कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड, द यूनिवर्स कैन क्रिएटेड बाय, कैन नहीं आएगा, कुड हैव बीन आएगा, कुड हैव लिखा हुआ है, तो द यूनिवर्स, द टी कैपिटल रहेगा, यूनिवर्स कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड। फिर शी फाउंड इट एट लास्ट, इट वॉज फाउंड बाय हर एट लास्ट, या फिर एट लास्ट इट वॉज फाउंड बाय हर, ठीक है, इट वॉज फाउंड बाय हर एट लास्ट।
चलो नेक्स्ट. अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच. अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच. द मैच वॉज बींग वॉच्ड बाय अनिल. यस, अ रेसलिंग मैच. अ रेसलिंग मैच, सिर्फ मैच नहीं. हाँ, अ रेसलिंग मैच वॉज बींग वॉच्ड बाय अनिल. यस, अ रेसलिंग मैच वॉज बींग वॉच्ड बाय अनिल. आई स्टार्टेड अ कंपनी नेम्ड पिक्सर. आई स्टार्टेड आई जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट. चलो ओके, कंटिन्यू करते हैं. आई स्टार्टेड अ कंपनी नेम्ड पिक्सर. अ कंपनी नेम्ड पिक्सर वॉज स्टार्टेड बाय मी. अ कंपनी नेम्ड पिक्सर वॉज स्टार्टेड बाय मी. वी कैन डू दिस फ्रेंड्स. वी कैन डू दिस फ्रेंड्स. तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रेंड्स लिख के ऐसे ही सेम रख देना. फ्रेंड्स दिस कैन बी डन बाय अस. फ्रेंड्स दिस कैन बी डन बाय अस. दिस कैन बी डन बाय अस फ्रेंड्स. यस, ये भी करेक्ट है. इट नहीं आएगा, दिस आएगा. दिस दिस है ना, तो दिस का दिस ही रहेगा. दिस कैन बी डन बाय अस. यस, फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आगे लगाओ या पीछे लगाओ, दोनों ही चलेगा. 23rd देखो. एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो. एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो. चलो नेक्स्ट. तो पीपल, यहां पे इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं बिकॉज हिडन है काफी सारी चीजें. पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एज ए वॉर हीरो. पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर. रिमेंबर का स्पेलिंग देख लेना आप लोग, मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है वो देख लो, वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे इसका आंसर है पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एज अ वॉर हीरो. ठीक है, पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एज अ वॉर हीरो. चलो स्टूडेंट्स, अपन इसको भी यहीं पे रोक रहे हैं 23 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पार्ट टू में बचे हुए क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे. अगर पार्ट टू में ले पाया तो ले लूंगा जरूर, अगर नहीं ले पाया तो मैं आपको समीर हाय हाय हाय, अगर पार्ट टू में नहीं ले पाया तो आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सको. ठीक है, पीडीएफ मिले सर, इसका पीडीएफ. यस यस, पीडीएफ मिल जाएगा. अगर आप वो ग्रुप में हो ना, क्या बोलते हैं, जो एक कॉमन ग्रुप बनाया गया है तो उसमें है, उसमें पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा. समीर 50 बार बोल दिया हूँ हाय. स्पैमिंग करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे फालतू में. एक काम करते हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से पहले ना. सर आई हैव अ डाउट. यस एंड्रयू बोलो, जो भी डाउट है आपके बोल दो. अपन आ जाते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द गिवन टेंसेस. अपन टेंसेस वाला एक बार कर लेते हैं, टेंसेस कर लेते हैं, फिर डिग्री करते हैं, फिर अपन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इस पे आते हैं. टेंसेस 12 ही क्वेश्चन है, एक ही बार में निपट जाएगा. चलो फटाफट आ जाओ. पहला क्वेश्चन, द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर. पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है. द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है. फटाफट करके बताओ.
आंसर दो फटाफट। द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर। द कमिटी मीट्स वंस ए ईयर। यस, द कमिटी हैड मेट वंस अ ईयर। द इसका आंसर एकदम परफेक्ट लिखा है, एंजल ने एकदम सही लिखा है। द कमिटी हैड मेट वंस ए ईयर। यस देखो स्टूडेंट्स, मैं ये इसलिए करा रहा हूँ ना, बिकॉज पिछले मतलब जब भी इंग्लिश का पेपर आता है तो उसमें जो है दो मार्क के लिए ये टाइप ऑफ मतलब टेंस चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन ये लोग डाल देते हैं। सो इसीलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं करा रहा हूँ बिकॉज आपको ये भी रहे कि अगर टेंस चेंज करने वाला आया तो आप लोग कर सको। द कमिटी हैड मेट वंस अ ईयर। सेकेंड करो, सेकेंड फर्स्ट हो गया, सेकेंड करो। ही वॉज आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट। ही राइट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। सेकंड करो, सेकंड जल्दी जल्दी करो। सेकंड करो, फर्स्ट में परफेक्ट टेंस में बोला है ही हैड बीन आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट। यस सेकंड का प्रियांशी का राइट है। सेकेंड प्रियांशी ने एकदम सही बोला, ही हैड बीन आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है स्टूडेंट, पता है टेंसेस जब आप करते हो ना, टेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और वर्ब को चेंज करना है, इन तीन दो चीजों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ही वाज बीइंग आस्क्ड। हम यहाँ पे ये सब चेंज द वॉइस नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बीइंग वगैरह चेंज द वॉइस में आता है। ही हैड बीन आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ही हैड बीन आस्किंग, चेंज द वॉइस नहीं करा रहा हूँ दीक्षा, आईएनजी आएगा जाएगा, यहाँ पे चेंज द वॉइस नहीं चल रहा है, टेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान से ध्यान दो। ही हैड बीन आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट। थर्ड क्वेश्चन, द अवेयरनेस इज ग्रोइंग अमंग द फीमेल एथलीट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो द अवेयरनेस, यस तो प्रियांशी ने भी सही जवाब दिया है, हर्षिता ने भी सही जवाब दिया है। द अवेयरनेस हैड बीन ग्रोइंग, द अवेयरनेस हैड बीन ग्रोइंग, फिर क्वेश्चन का जो है सेम सेम टू सेम आ जाएगा, हैड बीन आ गया आएगा। यस हैड बीन आएगा। द अवेयरनेस हैड बीन ग्रोइंग अमंग द फीमेल एथलीट। यस फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन हो गया, फोर्थ पे आओ, फोर्थ करो, फोर्थ करो। हाँ प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब भी जो है कंटिन्यूअस टेंस ही होता है सर। सिंपल प्रेजेंट में एस सी एस कब लगता है? एंड्रयू अगेन मतलब अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ। इसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, चेंज द वॉइस का जो वीडियो है ना उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया है, वो एक बार आप देख लोगे ना आपको चेंज द वॉइस भी आ जाएगा और एस सी एस वाला भी दिक्कत खत्म हो जाएगा। मैं चेंज द वॉइस जब कराता हूँ ना तो सबसे पहले पूरा टेंसेस करा देता हूँ। मेरे को टेंसेस कराने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, मैं एक एक बैठ बैठ के पूरा एक एक लिखा लिखा के टेंसेस नहीं कराता, 5-10 मिनट में टेंसेस खत्म हो जाता है मेरे से। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, प्रोग्रेसिव का मतलब है कंटिन्यूअस। फटाफट आंसर दो फोर्थ का। ही सिंपली स्टार्टेड एट हर फिक्सडली। क्या ही सिंपली स्टार्टेड एट हर फिक्सडली विद द पेक्यूलर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। ही वॉज सिंपली स्टेयरिंग, स्टेयर्ड, अच्छा ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर, तो ही हाँ अभी किसी ने तो राइट आंसर, हाँ बराबर प्रियांशी ने राइट आंसर दिया, ही वॉज सिंपली स्टेयरिंग, ही वॉज सिंपली स्टेयरिंग एट हर, फिर पूरा क्वेश्चन का है। यस ही वॉज सिंपली स्टेयरिंग, यस हर्षिता का भी राइट है। खाली प्रियांशी और हर्षिता यही दो जन आंसर दे रहे हैं टेंसेस का, बाकी लोग सो गए हो क्या? कितने लोग बैठे हुए, बाकी लोग भी आंसर दो।
चलो फिफ्थ आंसर देखो, फिफ्थ देखो, रीराइट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बाप रे, ये गौरी कौन से कहाँ का आंसर दे रही है? फिफ्थ का आंसर बताओ, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में करना है। जाग रहे हो तो आंसर भी बताओ। जो आंसर हो गया है वो नहीं, नेक्स्ट आंसर बताओ फटाफट। जिम ड्रिव्स अ पैकेज, यस परफेक्ट दिया है इसने, हर्षिता ने राइट आंसर दिया है। यस, प्रियांशी का भी आ गया, दोनों का आंसर राइट है। जिम ड्रॉज ए पैकेज, ड्रॉज ए पैकेज, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन का है, तो ड्रिव का जो है ड्रॉ आ जाएगा, ड्रॉ नहीं एंजल, ड्रॉ नहीं आएगा, ड्रॉज आएगा। जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब के साथ एस लगेगा। यस, सिक्स, सिक्स का आंसर बोलने से पहले हर्षिता ने दे दिया है। हर्षिता क्या बोल रही है? फिर सुरेखा ने भी दिया है उसका आंसर, उसका भी राइट है। रीराइट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे, आई वॉज ट्रेनिंग हार्ड इन पुणे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी अपोलोजाइज्ड टू द एंटायर नेशन फॉर नॉट विनिंग एन अवार्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत आसान है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ज्यादा इजी है, बता दो जल्दी से। शी हैड अपोलोजाइज द एंटायर नेशन, यस हर्षिता ने दे दिया आंसर, करेक्ट है। शी हैड अपोलोजाइज, ए अपोलोजाइजिंग वाली प्रियांशी, कंटिन्यूअस थोड़ी बोला है, परफेक्ट बोला है। शी हैड अपोलोजाइज द एंटायर टू द एंटायर नेशन, और आगे का पूरा क्वेश्चन में ही है, ठीक है, शी हैड अपोलोजाइज हो जाएगा। चलो एट बताओ अभी, शी हैड अपोलोजाइज टू द एंटायर नेशन, यस रोहित नंदनी करेक्ट है, यस आदित्य यादव भी करेक्ट है, भक्ति करेक्ट है, एंजल करेक्ट है, प्रियांशी अभी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली बट हर फेस हैड लॉस्ट इट कलर। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यस एकदम सही, एकदम सही, हर्षिता ने इसका परफेक्ट जवाब दिया। हर आईज शाइंड ब्राइटली, सॉरी ब्रिलियंटली, हर आईज शाइंड ब्रिलियंटली बट हर फेस, यहाँ पे हैड का हैड ही रहेगा क्योंकि मैं फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही हमारा प्रेफरेंस ज्यादा है, बट हैड हर हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, ओके ठीक है, चलो करेक्ट है। नाइन्थ पे आ जाओ, नाइन्थ बताओ फटाफट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, दे वेरा इन टाइप बट इंक्लूड फॉरेस्ट लेक्स एंड सिटीज। रीराइट सिंपल पास्ट टेंस, यस काफी लोगों का राइट है आंसर। नेक्स्ट पे चलो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, छोड़ दो नाइन्थ वाला, छोड़ दो, सिंपल पास्ट बोला है, नहीं होगा ये, छोड़ दो नाइन्थ वाला। टेंथ पे आ जाओ, नाइन्थ वाला आपको नहीं समझ में आएगा, टेंथ पे आ जाओ, टेंथ करो, टेंथ, द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ ये होगा। टेंथ करो, टेंथ बताओ फटाफट, टेंथ का आंसर दो।
चलो 10th का आंसर दो फटाफट। 10th का आंसर चाहिए मुझे। करण सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो सर, मेरा नाम ले। अरे बाप रे बाप, कितनी बार बोलेगा करण करण करण, 4 बार ले लिया करण। तेरा नाम, तेरा नहीं सॉरी, आपका नाम 4 बार ले लिया करण। द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम आर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग। ए चेंज द वॉइस थोड़ी ना करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है बस। द साइट्स आर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेन नहीं, सही 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 किया था आपने रियांशी, सही किया था, एकदम सही था वो। द इंटरनेशनल सही था, सही था द इंटरनेशनल, बिकॉज ये और दूसरी तरह से होगा ही नहीं, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। द इंटरनेशनल वर्ल्ड, और किसी तरह से ये होगा ही नहीं, इसीलिए इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, सही था सही था। हर्षिता आपका भी सही था। द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम आर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग द साइट्स। द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द साइट्स आर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हो सकता है बट ये ना एक्यूरेट नहीं है। प्रिया और महक, ये मैंने सोचा था बट ये एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले भी मैंने इन लोगों को कराया हुआ है, इसलिए इन लोग ने फटाक से इसका आंसर दिया। तो इसका आंसर यही है, द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम आर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या फिर द साइट्स। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। चलो दो क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करो। स्मिता नोज द फ्राइटनिंग ट्रूथ। ओके, स्मिता हैड नोन द फ्राइटनिंग ट्रूथ, सिंपल प्रेजेंटेड। स्मिता नोज, यस करेक्ट है, परफेक्ट बताया आपने प्रियांशी। स्मिता नोज द फ्राइटनिंग ट्रूथ, यस। हर्षिता का भी करेक्ट है, गौरव का भी करेक्ट है। अब इसका भक्ति का नोज, हाँ भक्ति का भी करेक्ट है, एंजल का भी करेक्ट है, नंदनी का भी करेक्ट है, सुजल का भी करेक्ट है, यस सबका आंसर राइट है, सब लोगों ने राइट लिखा है। नेक्स्ट लास्ट, दे स्टेड एट हर आंट्स हाउस। तो दीक्षा ने इसका आंसर दिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस, दे विल बी स्टेइंग एट हर आंट्स हाउस, यस दे विल बी स्टेइंग एट हर आंट्स हाउस, यस एकदम करेक्ट करेक्ट था, तो सही था। ओके चलो, तो इसी के साथ हमारा टेंसेस भी डन हो गया। अब आते हैं हम लोग चेंज द डिग्री पे, चेंज द डिग्री पे। मेरे चेंज द डिग्री से पहले 10 क्वेश्चन है मॉडल ऑक्सिलरी का। चलो आ जाओ, मॉडल ऑक्सिलरी का भी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं चेंज द डिग्री पे। आ जाओ, मॉडल ऑक्सिलरी के 10 क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है मॉडल ऑक्सिलरी के। अब आपको आंसर कैसे बताना है, देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी फाइंड भी करना है और उसका काइंड भी बताना है। तो ये सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या होगा वो बताना है। हाँ फंक्शन, काइंड का मतलब यहाँ पे है फंक्शन, यानी फंक्शन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस के हिसाब से आपको बताने हैं फंक्शन। हाँ ठीक है, दे मे कम टू माई हाउस टूमोरो, तो यहाँ पे बताओ मॉडल ऑक्सिलरी क्या है और उसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन है, फटाक से करते हैं, फिर मैं चलूंगा आपका इस पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे। ठीक है, फटाफट 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो, 10 ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, 10 क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन लाया है। मे पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी, करण आई एम न्यू, 50 बार करण बस करो यार। तो दे मे कम, तो मे पॉसिबिलिटी, यस सही है, सबका राइट है, पहला वाला मे पॉसिबिलिटी राइट है। सेकंड बताओ, मे पॉसिबिलिटी सेकंड, शी नीड्स टू फिल इन हिज रूम, शी नीड्स टू फिल इन दिस रूम, शी नीड्स टू फिल इन दिस रूम, नीड्स नेसेसिटी, नेसेसिटी मैंने पहले ही बताया, नीड्स टू, नीड्स टू पूरा आएगा, सिर्फ नीड्स नहीं आएगा, नीड्स टू पूरा है, जो भी नीड्स लिख रहे हैं सबका गलत है, सबको रॉन्ग हो जाएगा, नीड नहीं है, नीड्स टू है, नीड्स टू, और नेसेसिटी जैसी कोई फंक्शन नहीं होता है, ऑब्लिगेशन होता है, ये ऑब्लिगेशन लिखो या कंपल्शन लिखो दोनों करेक्ट है, ऑब्लिगेशन लिखो या कंपल्शन लिखो दोनों सही है। स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल इन देयर वर्क, फटाफट बताओ, नीड्स नहीं आएगा, नीड्स टू आएगा, यस प्रियांशी ने बता दिया यहाँ पे। मस्ट, मस्ट है ऑब्लिगेशन कंपल्शन, यहाँ पे मस्ट है ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्शन, ठीक है ऑब्लिगेशन या तो कंपल्शन, जो आप लिखोगे दोनों करेक्ट है।
फिर एंजल ने फोर्थ का बताया है, यू कैन डू दैट वर्क, यू कैन डू दैट वर्क इजिली. कैन 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 बताओ फटाफट. कैन एबिलिटी है, कैन एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है यहाँ पे. ये उसकी एबिलिटी है कि वो कर सकता है, एबिलिटी है यहाँ पे. कैन एबिलिटी है, कैन पॉसिबिलिटी नहीं है सुजल, कैन एबिलिटी है. दीक्षा का भी कैन पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन एबिलिटी है. चलो एक कौन था इधर, कैन एडवाइस वाला, आदित्य एडवाइस नहीं है, एबिलिटी है. प्रियोजीत एडवाइस नहीं है, एबिलिटी है. चलो इट माइट रेन दिस इवनिंग, इट माइट रेन दिस इवनिंग, माइट पॉसिबिलिटी, यस माइट पॉसिबिलिटी, माइट पॉसिबिलिटी. काफी लोगों का आंसर आ गया माइट पॉसिबिलिटी, माइट पॉसिबिलिटी. यस काफी लोगों का आंसर चल रहा है माइट पॉसिबिलिटी. यस इट मे रेन लेट इन द इवनिंग, यहाँ पे भी मे अगेन पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी. यस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पे मे, यहाँ पे अगेन मे पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी है. यस मे पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट, अभी कुड परफॉर्म वेल इन हर एग्जाम्स, अभी कुड परफॉर्म वेल इन हर एग्जाम. कुड एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है. अभी कुड परफॉर्म वेल इन हर इन हिज एग्जाम्स, अभी कुड परफॉर्म वेल इन हिज एग्जाम. यहाँ पे कुड पॉसिबिलिटी है कि एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे जो है कुड जो है यहाँ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी नहीं है. अभी कुड परफॉर्म वेल इन हिज एग्जाम पॉसिबिलिटी है, कुड एबिलिटी नहीं है. प्रियोजीत चलो नेक्स्ट. आ जाओ, यू मस्ट रिमेन साइलेंट, मस्ट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन लिखो या कंपल्शन लिखो दोनों चलेगा. मस्ट ऑब्लिगेशन लिख रहे हो तो भी चलेगा, कंपल्शन लिख रहे हो तो भी चलेगा. मस्ट ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन. यस मस्ट पॉसिबिलिटी. ए बेवकूफ सुजल, मस्ट पॉसिबिलिटी कहाँ से हो रहा है. नेक्स्ट, आई मस्ट टेल द ट्रूथ, यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन या कंपल्शन आप जो लिखना चाहो वो लिखो. सर मस्ट ऑब्लिगेशन ना, यस मस्ट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन लिखो या कंपल्शन लिखो दोनों चलता है. आप ऑब्लिगेशन लिखोगे तो भी चलेगा, कंपल्शन लिख रहे हो, कंपल्शन लिख रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है. ऑब्लिगेशन है तो भी राइट है. फर्स्ट सेकेंड छोड़ो, थर्ड से स्टार्ट करो. फर्स्ट सेकेंड छोड़ो, थर्ड से स्टार्ट करो. 15 मिनट. ओके सो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं अपन. हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो. चेंज द डिग्री से भी स्टार्ट कर रहे हैं अपन, थर्ड से स्टार्ट करो, थर्ड से. थर्ड से स्टार्ट करो. एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, चेंज द डिग्री. देखो जब आप यहां पे आप डिग्री चेंज करोगे ना, तो आप पी लिख के डैश लिख के फिर मेरे को बताना. अगर आप पॉजिटिव में कर रहे हो तो पी लिख के डैश लिख के आंसर लिखना, आप सुपरलेटिव में कर रहे हो तो एस लिख के डैश लिख के करना, और आप अगर कंपेरेटिव में कर रहे हो तो सी लिख के डैश में करना, ठीक है. ठीक है आपको खुद समझना है, ठीक है आपको खुद समझना है कि आपको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आप खुद समझो. आपको बस एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा चेंज द डिग्री, क्वेश्चन लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे चेंज द डिग्री.
ठीक है, देखो जिसने अभी तक नहीं सीखा है ना, ये जिसने अभी तक नहीं किया है वो मतलब सीखा भी नहीं है, कुछ नहीं किया है, चुपचाप से बैठ के ना लगातार यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देख लोगे ना, क्वेश्चन और उसका आंसर भी देख लो ना, तो कैसा आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, ए ग्रेट ग्रेटेस्ट, ये सब नहीं लिख के देना है, मेरे को पूरा सेंटेंस चाहिए। तो एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, हाँ दोनों किया तो दोनों में मार्क्स मिलेगा, यस। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, एक्सपेंसेस yes, तो ये सिर्फ पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे प्रियोजित ने मेरे को आंसर दिया, एक्सपेंसेस वर एज ग्रेट एज शी हैड कैलकुलेटेड, शी हैड नॉट कैलकुलेटेड एज ग्रेट एज एक्सपेंसेस। नहीं, संतोष आपका गड़बड़ है, एक्सपेंसेस अच्छा नहीं नॉट है ना, नहीं संतोष आपका राइट है, प्रियोजित आपका रॉन्ग था, एक्सपेंसेस हैड वर नॉट एज ग्रेट एज शी हैड कैलकुलेटेड, एक्सपेंसेस इज नॉट एज ग्रेट एज शी हैड कैलकुलेटेड, ये संतोष हर्षिता प्रिया सबका राइट है, बस दिक्कत ये है ना कि आप लोग टेंस गड़बड़ कर रहे हो सब लोग, तो टेंस यहाँ पे एक्सपेंसेस हार्ड है तो हार्ड ही रहेगा, ठीक है टेंस नहीं चेंज करना, एक्सपेंसेस हार्ड नॉट या फिर चलेगा, आप लोग मारो टेंस चेंज करो, एक काम करते हैं रुक जाओ स्टूडेंट्स, मेरे को ना इसमें डाउट्स आ रहे हैं, देखो मैंने एक्चुअली चेंज द डिग्री आपको पढ़ाया नहीं है ना अभी तक, तो मेरे को खुद को वो उसके अंदर दिक्कत ही आ रही है, चेंज द डिग्री मैं नहीं कर रहा हूँ, चेंज द डिग्री के लिए रुक जाओ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बताऊँ और मैं कुछ गलत बता दूँ, इससे बेटर है कि मैं नीरज सर को बोलता हूँ चेंज द डिग्री कराने के लिए, ठीक है मैं अभी यहाँ पे कुछ बताऊँ और वो गलत हो जाए, उससे बेटर है, टेंसेस चेंज नहीं होता है ना सर, रुक जाओ मेरे को भी प्रिया जितने भी लोग हैं जेंडर डिग्री एक्चुअली मेरे को खुद ने मैंने रिवीजन नहीं कराया है, सो इसके लिए यहाँ पे मेरे को उसके डायरेक्टली ऐसा आंसर्स बताने में मेरे को थोड़ी दिक्कतें होंगी, सो बेटर है अपन नीरज सर को बोलेंगे, नीरज सर को मैं बोलता हूँ, नीरज सर आपको डिग्री ऑफ क्योंकि उन्होंने लेक्चर भी लिया है तो कैसा उनको सारी चीजें एकदम रिमाइंड में है, ठीक है तो एकदम परफेक्टली बताएंगे, तो चेंज द डिग्री मैं रोक रहा हूँ, चेंज द डिग्री मैं नहीं बता रहा हूँ, चेंज द डिग्री नीरज सर को मैं बोलता हूँ कराने को, ठीक है क्वेश्चन टैग पे आ जाओ, क्वेश्चन टैग पे आओ, ऐड अ क्वेश्चन टैग, ऐड अ क्वेश्चन टैग पे आओ, ऐड अ क्वेश्चन टैग पे आ जाओ, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ और फिर वो गलत हो जाए उससे बेटर है, मैं नीरज सर को बोलता हूँ, नीरज सर जो है प्रॉपरली आपका ये ले लेंगे, क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन प्रॉपरली वो ले लेंगे, अभी क्वेश्चन टैग करते हैं, फिर मैं इवन ट्राई करता हूँ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अगर मेरे से सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अभी हो पाया तो ले लूंगा, नहीं हो पाया तो वो भी मैं नीरज सर को बोलता हूँ, या तो मैं खुद ले लूंगा पार्ट टू का जब सेशन होगा, ठीक है तब, ओके वेट चलो फटाफट क्वेश्चन टैग, अब क्वेश्चन टैग में आप चाहो ना तो ये मत लिखो, सीधा जो है यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना है वो बता दो, ठीक है वो वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो, वेट अ मिनट यस, तो यहाँ पे वोंट यू आएगा, यस वेट अ मिनट वोंट यू क्वेश्चन मार्क, वेट अ मिनट वोंट यू क्वेश्चन मार्क, जोन विल बी देयर टुमारो, सेकेंड का आंसर बताओ, जॉन विल बी हियर टुमारो, देखो जॉन है जॉन, वोंट ही क्वेश्चन मार्क, वोंट ही क्वेश्चन मार्क, अरे गाइस इतना फास्ट फास्ट मत बताओ, थोड़ा रुको, एक काम करो पूरा पूरा सेंटेंस लिखो, पूरा पूरा सेंटेंस लिखो, आप ऐसा क्या करने वालों में, आप फटाफट फटाफट, आपको मेरे को पता है कि सबको आता है तो फटाफट फटाफट लिखते जा रहे हो आप लोग सारे, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप लोग लिख किस कर रहे हो, रुको क्वेश्चन लिख, पूरा पूरा सेंटेंस लिख के दो, पूरा पूरा सेंटेंस लिख के टाइप करो, चलो पूरा पूरा सेंटेंस टाइप करो, थर्ड का टाइप करो, पूरा पूरा सेंटेंस चाहिए मेरे को, बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, पूरा पूरा सेंटेंस टाइप करो, चलो
हाँ नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नंबरिंग डाल के कर दो ऐसा, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो नंबर 3 डाल दो, और जैसे अभी इसका आंसर है आरेंट दे, तो ऐसा नंबर 3 डाल दो और आरेंट दे डाल के आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, फिर कॉमा लगाना है, फिर आरेंट दे, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। यस थर्ड का ये आंसर था, आरेंट दे, आरेंट दे। नेक्स्ट करो, ही कुड हैव बॉट अ न्यू कार, यस कुडेंट ही, कुडेंट ही। Couldn't he? एंड में क्वेश्चन मार्क चाहिए ही चाहिए मेरे को, क्वेश्चन मार्क चाहिए, बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भेजेगा नहीं। फिफ्थ का, वी कांट परमिट दिस कॉमा कैन वी क्वेश्चन मार्क, कैन वी, यस फिफ्थ का कैन वी। दे वेंट टू द सिनेमा, दे वेंट टू द सिनेमा। सिक्स्थ का चलो कैन वी, फिफ्थ तक तो आप सबने बता दिया, आप सिक्स्थ पे आ जाओ। दे वेंट टू द सिनेमा, फटाफट बताओ चलो। सिक्स्थ का यस, हर्षिता, प्रियांशी, प्रियांशी, हर्षिता, दो जन ने राइट आंसर दिया है। यहाँ पे आएगा डिडेंट। अगर स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा तो मैंने जब कल आपको ये करवाया था चेंज द, सॉरी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जब मैंने जिसने चेंज द वॉइस का भी देखा होगा, तो वहां पे मैंने जब हेल्पिंग वर्ब करवाया था तो मैंने एक चार्ट बनवाया था जिसमें मैंने बोला था कि दो सिचुएशंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब का हमें, लेकिन वो दोनों सिचुएशन में कुछ हिडन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे पास्ट टेंस में डिड होता है और प्रेजेंट टेंस में डू और डज होता है, और उसका हेल्प जो है हमें यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, चेंज द डिग्री में, ठीक है, चेंज द डिग्री में आता है। अरे वाह, सेवेंथ वाला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई बताएगा, सेवेंथ वाला राइट है, सेवेंथ वाला जितने भी लोगों ने बताया सबका राइट है। वोंट यू, सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला जितने भी लोगों ने बताया सबका राइट है। लिसन, वोंट यू, वोंट यू क्वेश्चन मार्क, सेवेंथ वाला मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई बता पाएगा, लेकिन सेवेंथ वाला सबने राइट बताया है। ही वोंट टेल हर, विल ही क्वेश्चन मार्क, विल ही क्वेश्चन मार्क। शट अप, शट अप जो है यहां पे नाइन्थ, नाइन्थ का देखो बताओ। नाइन्थ यस, वोंट यू, वोंट यू, नाइन्थ का भी करेक्ट बताया। टेंथ, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट क्या लिखा, आई डू नॉट नाउ लिव इन दिस कॉलोनी, आई डू नॉट नाउ लिव इन दिस कॉलोनी, आई डू नॉट नाउ लिव इन दिस कॉलोनी। टेंथ का बताओ फटाफट। चलो फटाफट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। टेंथ का आंसर डू आई, डू, यस रोहित का सबसे पहले आया, फिर प्रियांशी, फिर सुलेखा, प्रियोजीत, हर्षिता, भक्ति, यस सबका राइट है। डू आई, डू आई क्वेश्चन मार्क, आई कैपिटल होगा, यस। डू यू, लक्ष्य गलत है, डू यू नहीं, डू आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो, इलेवेंथ पे, कार पॉल्यूट द एनवायरमेंट, कार पॉल्यूट द एनवायरमेंट, कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, यस हर्षिता का राइट है, हर्षिता का राइट है, रोहित गलत है। वोंट, डजंट दे, डजंट दे मैंने कैसे पता किया मालूम, मैंने को कार्स है, प्लूरल है, प्लूरल है, यस मानसी का भी राइट है, प्लूरल है, और यहाँ पे पॉल्यूट, पॉल्यूट जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पॉल्यूटेड, थर्ड फॉर्म भी पॉल्यूटेड। डू आई नहीं आएगा, डजंट आएगा, डज, अगर ही सिंगुलर होता है तो डू लगता है, प्लूरल होता है तो डज लगता है, इसके लिए कार्स है तो यहाँ पे डजंट लगेगा, ठीक है। तो कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, डजंट दे, डजंट दे आएगा, यस डजंट दे। इलेवन का, ट्वेल्थ का आ जाओ,
ट्वेल्थ वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून. ट्वेल्थ का आंसर बताओ. वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून. सर प्लूरल में डू आता है ना, प्लूरल में डू आता है. ही डिड, ही डज. अरे हाँ बराबर, सही बोले. डस नहीं आएगा, प्लूरल है ना. मैं उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से. डोंट डोंट आएगा. डोंट दे आएगा, डजेंट नहीं आएगा. हाँ यहाँ वाले पे डोंट दे आएगा. कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, डोंट दे बिकॉज ही डज द वर्क. हाँ ही डज, ही के साथ डज लिखते हैं हम, ही डू द वर्क नहीं लिखते हैं. दे डू द वर्क. नंबर डाल के लिखो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप लोग किसका आंसर कहाँ लिख रहे हो. वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, तो वी, तो यहाँ पे भी डोंट वी आएगा. यस डोंट वी, ट्वेल्थ का डोंट वी. डोंट वी क्वेश्चन मार्क, डोंट वी ट्वेल्थ का डोंट वी. यस थर्टीन का देखो. शी हैड अ रेड कार, शी हैड अ रेड कार. हैड एंड शी क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, देयर इज लिटिल वी कैन, देयर इज लिटिल वी कैन डू अबाउट इट. देयर इज लिटिल वी कैन डू अबाउट इट. थर्टींथ, फोर्टींथ का बताओ मेरे को. फोर्टींथ का बताओ. चलो, देयर इज लिटिल वी कैन डू अबाउट इट. देयर इज लिटिल वी कैन डू अबाउट इट. फोर्टींथ का बताओ क्या है. हर्षिता रॉन्ग है, हर्षिता का रॉन्ग है. इजंट देयर, सौम्य रॉन्ग है. मानसी रॉन्ग, नंदनी रॉन्ग, लक्ष्य कांट दे, कांट दे रॉन्ग है. इजंट देयर रॉन्ग है, इजंट देयर रॉन्ग है. इसका आंसर है कांट वी बिकॉज देयर इज लिटिल जो है ये आपका ये है क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट है. वी कैन डू अबाउट इट, वी कैन डू अबाउट इट, ये मेन मेन सेंटेंस है और वो स्टार्टिंग वाला कॉम्प्लीमेंट था. तो कांट वी जो है इसका आएगा. ठीक है, कांट वी. अभी तक जितने लोगों को लग रहा था ना कि अरे इजी तो है, इजी तो है क्वेश्चन टैग, देखा इतना भी इजी नहीं है. फोर्टीन हो गया. चलो फिफ्टीन, फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट. फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट. फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट. फिफ्टींथ का बताओ जल्दी जल्दी. फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट. फिफ्टींथ का आंसर चाहिए. धीरे धीरे टफ हो रहा है अब. आर एंड यू गलत है प्रियोजीत. आर एंड दे गलत है निधि. डोंट दे यस करेक्ट है. एंजल एकदम करेक्ट है. फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट. डोंट दे, डोंट दे. फ्यू पीपल नो, फ्यू पीपल सब्जेक्ट नो वर्ब, दैट यू आर एन आर्टिस्ट ये पूरा ऑब्जेक्ट है. डोंट दे, आरंट यू गलत है. लक्ष्य डोंट दे आएगा, डोंट दे. आरंट दे, मानसी रॉन्ग है, भक्ति रॉन्ग है, डोंट दे आएगा. चलो फिफ्टीन हो गया, अब आ जाओ सिक्सटीन पे. आ जाओ सिक्सटीन पे, आ जाओ सिक्सटीन का बता दो. सिक्सटीन का बताओ. अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन टाइप भी बहुत सारा है यार. एक काम करते हैं, 20 तक करेंगे, फिर आज का सेशन, ये वाला सेशन यहीं रुकेंगे क्योंकि 10 बज गया. आपको भी खाना खाना है, मेरे को भी खाना खाना है. ट्राई करते हैं लेट नाइट आने का, ट्राई करते हैं, या फिर मैं नीरज सर को बोलता हूँ, नीरज सर ले लेंगे. ठीक है, लेट नाइट में हो जाएगा. ओके चलो, 3 और 20 तक करेंगे. स्टॉप डे ड्रीमिंग. ही नोज नो बडी इन द कॉलोनी. ही नोज नो बडी इन द कॉलोनी. अरे बेवकूफो, नेगेटिव ऑलरेडी है सेंटेंस. नो बडी नेगेटिव वर्ड होता है. तो डज ही आएगा. डज ही यस, डज ही यस, डज ही. नो बडी ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो नो बडी है तो इसके लिए नेगेटिव वो ऑलरेडी है तो डज ही आएगा.
स्टॉप डे ड्रीमिंग 17 बताओ, स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग, वोंट यू, वोंट यू क्वेश्चन मार्क, यस वोंट यू क्वेश्चन मार्क, यस यस करेक्ट है। चलो 18th पे चलो, 18th पे चलो, लेट्स गो टू द बीच, लेट्स गो टू द बीच, 17, 18th का बताओ, 18th का, शैल वी, यस शैल वी, लेट्स गो टू द बीच, शैल वी, यस किसने बताया था, अर्चिता ने बताया था, करेक्ट है। फिर प्रियांश ने भी करेक्ट बोला है, देन भक्ति ने भी करेक्ट बोला, राधिका ने भी सही बोला, नंदनी ने सही बोला, निधि ने सही बोला, दीक्षा ने सही बोला, प्रियांशी ने सही बोला, यस यस, रोहित ने भी सही बोला, ओके सुरेखा, सुरेखा ने भी सही बोला, मानसी ने भी सही बोला, ओके सबका सही है। चलो लेट्स गो टू द बीच, 19 भी सेम है, 19 का भी शालवी ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, 20, यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफी, यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट बता दो स्टूडेंट्स, लाइक मार दो जरा वीडियो को तो। यस डू यू, आ गया आंसर, डू यू, डू यू, डू यू आएगा, डू यू, डू यू, डू यू, ओके सो ठीक है एवरीवन, आज का मतलब अभी के इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। क्या बच गया है अपना, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पूरा बाकी है, उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूरा बाकी है, ये दो टॉपिक अपना पूरा बाकी है। कल भी यही दो टॉपिक बाकी था, आज भी यही दो टॉपिक बाकी है, स्पॉट द एरर भी पूरा बाकी है। ठीक है, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि इसका पार्ट टू वीडियो आज ही ले लूँ, पार्ट टू वीडियो जो है आज रात को लेट नाइट ले लूँ, ताकि जो है एटली सर सुनो ना, यस बोलो बोलो, एंजल सुन रहा हूँ मैं, यस तो पार्ट टू वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आज ही रात को ले लूँ, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये दो तो एकदम पूरी तरह से पूरा ही बाकी है, तो ये पूरा का पूरा भी अपने को करना है, और उसके साथ साथ स्पॉट दी अरेबी मेरे को कराना है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी वापस से बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है वो भी कराना है, चेंज द वॉइस के भी काफी सारे क्वेश्चन बाकी है, और बहुत सी चीजें जो है चीजें बाकी है। सर कल क्लास रहेगा, यस आप क्लास वही रहेगा, जिसको आना रहेगा आ सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो। ओके सो एवरीवन, 2-3 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, जो भी डाउट है आप लोग पूछो फटाफट। जो क्वेश्चन है लेट्स गो टू द बीच, ये तो असर्टिव है, तो शैल वी कैसे आएगा, लेट्स गो टू द बीच, ये लेट्स वाला चीजें हैं, तो असर्टिव नहीं है, ये इंपरेटिव है, इसी वजह से शैल वी आएगा, असर्टिव नहीं है इंपरेटिव है, इसलिए शैल वी आएगा। ठीक है सो एवरीवन, आपके डाउट्स लगता है मुझे क्लियर हो गए होंगे, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो, ताकि वो लोगों को भी मिल जाए, उन लोगों का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए, जो आपके ही दोस्त हैं, क्लास के हैं, दूसरे कहीं के भी हो, सबको। सौम्या का डाउट है, ओके सौम्या फटाफट बता दो क्या डाउट है, सौम्या अपने डाउट टाइप कर दो, जल्दी टाइप कर दो, उसके बाद मैं सेशन एंड करूंगा, बिकॉज मुझे भी जाके खाके, अगर जितना जल्दी मैं आ जाऊंगा उतना जल्दी मैं शुरू कर सकता हूँ, नहीं इसमें नेगेटिव नहीं होगा, असर्टिव में नेगेटिव नहीं होगा। सौम्या पूछो पूछो जल्दी,
सॉम में आप पूछ नहीं रहे हो अपना डाउट, जल्दी पूछो। हाँ सर, अगर हमको इंपरेटिव सेंटेंस है तो शैल वी लिखा राइट है या रॉन्ग है तो नहीं? नहीं, रॉन्ग नहीं होगा, शैल वी ही लिखना है, शैल वी लिखोगे राइट रहेगा, ठीक है? यही डाउट था, ये तो पहले भी बताया ना, इंपरेटिव में लेट्स लेट्स है तो ही शैल वी लिखना है, ठीक है? ओके, सो ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये सेशन हम लोग यही वाइंड अप करेंगे। जो भी चैनल पे नए आए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार के जाओ। अगर आप लोग ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, अगर आपको वीडियो आज का वाला अच्छा लगा हो तो जो है क्या कर देना, लाइक मार देना, लाइक ठोको फटाफट, लाइक ठोको फटाफट। तो अरे बाप रे बाप, हाथ दुख गया, लाइक ठोको फटाफट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टेटस लगा दो कि ग्रामर का जो है ये लिया है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेशन लिया है, ताकि जो है अच्छी तरह से सबको भी पता चल जाए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।